प्रयास हो रहा है, क्या होगा क्या न जाएगा, क्योंकि हम उस प्रयास में नहीं लगे हैं। ये में लोग हैं और खुल करके उन लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान में छोटी पार्टियों को रहने का कोई औचित्य नहीं, जब हमारे अस्तित्व के बारे में ही वो खतरा बतलाते हैं। 10 बार तो कहा कि हमने कसम खाई है कि उनके साथ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ राजन कुमार। देखिये, बिहार की राजनीति उस समय गर्मा गई जब सीताराम मांझी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच गए दिल्ली। कयास लगाया जा रहा था कि क्या फिर सीताराम मांझी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम मांझी जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया और याद दिला दिया कि मैंने तो कसम खाया था कि महागठबंधन को नहीं छोड़ूंगा। ये में लोग हैं और खुल करके उन लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान में छोटी पार्टियों को रहने का कोई औचित्य नहीं है और हम छोटी पार्टी में हैं, जब हमारे अस्तित्व के बारे में ही वो खतरा बतलाते हैं तो फिर उनके साथ जाने का क्या उचित है। यानी आप नीतीश जो हमारे साथ है। एक बार कहेंगे, 50 बार तो कहा कि हमने कसम खाई है कि उनके साथ रहेंगे। अब प्रयास हो रहा है, क्या होगा क्या न जाएगा, क्योंकि हम उस प्रयास में नहीं लगे हैं। हम छोटा आदमी हैं और बड़े लोग लगे हुए हैं, आशा रखना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि प्रयास होगा और प्रयास में सफल लोग होंगे और विपक्षी एकता मजबूत होगी। आरजेडी से आप नाराज हैं सर? आरजेडी से आप नाराज हैं? किसी से नाराज नहीं है, तेजस्वी बहुत अच्छे लड़के हैं। अगर मौका मिले तो वो चीफ मिनिस्टर लायक हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है? तेजस्वी उस लायक है, सीएम बनने लायक, वो सीएम बनेंगे आगे चल के। और मेरा वादा है कि मैं महागठबंधन को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद से सीताराम मांझी ने वो याद दिलाया कि मैंने पहले ही कसम खाया था कि बीजेपी का दामन नहीं थामूंगा, महागठबंधन के साथ रहूंगा, सीएम नीतीश का साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पार्टियों को एक करने में लगे हुए हैं, तो वही सीताराम मांझी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलकर बेचैनी तो बढ़ा दी, लेकिन जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक औपचारिक मुलाकात थी दशरथ मांझी को लेकर, जो मुलाकातें हुई है उस पर चर्चा हुई है। बीजेपी चाहती है कि हिंदुस्तान में छोटी छोटी पार्टियाँ खत्म हो जाए, तो मैं भी तो छोटी पार्टी हूँ, क्या मुझे भी खत्म कर दिया जाएगा? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, सीएम बनने लायक वो है, वो अच्छे गुण उनमें है सीएम बनने लायक।